जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो ये है हमारे पास एक क्वेश्चन आया है और ये स्टूडेंट ने पेपर सॉल्व करके भेजा हुआ है इसकी प्रूफ रीडिंग के लिए। तो हम देखते हैं इसमें क्या इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। तो ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर टू है। ये दसवीं क्लास का स्टूडेंट है और ये पेपर है इसका मॉडल पेपर है और हम इसको जो है वो कर रहे हैं। तो आप ये देखें, ये है क्वेश्चन नंबर टू, ठीक है। इसके नीचे अगर ये दो लाइनें लगा दी जाएं तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाता है, ये पता चल जाता है ये क्वेश्चन है। और फर्दर और ये बहुत अच्छे तरीके से दिए, देखें ब्लू इंक से लिखा हुआ है। ये फर्स्ट टेकन, ये क्वेश्चन पेपर से ही जो क्वेश्चन था उसको लिख दिया गया है। बहुत से स्टूडेंट हैं वो इतना ही समझते हैं क्वेश्चन नंबर टू लिख दिया, ये आई लिख दिया, तो दैट्स गुड इनफ, वेल एक्सेप्टेबल एग्जाम। लेकिन एग्जामिनर होते हैं, अगर से उसको हो सकता है ये आपका पहला ही पेपर हो जो उसके हाथ लगा हो, तो फिर क्वेश्चन पेपर उसके हाथ में होता है। अगर क्वेश्चन नंबर टू उसको देखना है ये क्या क्वेश्चन है, तो फिर उसको क्वेश्चन पेपर की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने इसको सॉल्व ही कर दिया, सारा क्वेश्चन ही लिख दिया, तो इसमें डजंट मैटर, इसमें कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि ये बड़ी हमारे लिए इस बात का है कि हेल्पफुल है, इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू द एग्जामिनर एंड वी मस्ट फैसिलिटेट द एग्जामिनर एज मच एज पॉसिबल। तो हम एग्जामिनर को मैक्सिमम जो है पेपर सॉल्व करने में उसको फैसिलिटेट करना चाहिए, लैंग्वेज ईजी होनी चाहिए और उसकी प्रेजेंटेशन बड़ी जो है, जैसे कि इस स्टूडेंट की नीट एंड क्लीन है, इसकी प्रेजेंटेशन इज एब्सोल्युटली वंडरफुल। ओके, सो आप क्वेश्चन जब लिखें, बल्कि लिख दें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसमें क्वेश्चन नंबर टू लिखा हुआ है, इसमें अंडरलाइन भी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन तो लिखा ही हुआ है। मैं इसको काट दी, चले लगा रहे, ये ज़्यादा इसको प्रोमिनेंट करता है कि ये क्वेश्चन नंबर टू है। तो आपने है फर्दर आपने ये क्वेश्चन लिख दिया, उसके बाद ये हैं आप आंसर लिखें। आंसर है हाउ डिड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सवाल लिख दिया, ये वेरी गुड। और यहाँ पे भी सवाल है, बड़ा अच्छा तरीके से लिखना चाहिए था। तो यहाँ पे सवाल को सवाल ही होना चाहिए, ये स्वी सा बन गया है, तो ये थोड़ी सी स्टूडेंट ने केयरलेसनेस कर दिया। इसको इस तरह से लिखें, दिस वन इज वेरी गुड, ओके, इस तरह से लिखा जाना चाहिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेटल्ड, यस नेसेसरी अननेसेसरी कैपिटल कर दिया गया, इसको स्मॉल लेटर में होना चाहिए, सेटल्ड सेटल्ड द इश्यू, इसका आई डॉट मिस कर दिया, चलो लिख दिया मैं इसको, जरा लाइन बड़ी कर लूँ, यस इश्यू और नेक्स्ट दिस वन इश्यू। सो इशू ये भी जो है वेरी वाइसली डब्ल्यू कोशिश करें कि स्मॉल लेटर में ही चल यहाँ पे गुजारा हो रहा है, देखते हैं आगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेटल्ड द इशू, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मामले को सेटल कर दिया, निपटा दिया वेरी वाइसली, बड़ी जहानत से एंड जस्टली और इंसाफ के साथ। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्क्ड, ही पता नहीं क्यों नहीं लिखा था, ही लिखना चाहिए था इसे, मेरे पास जो है वो क्योंकि मैं पेंट में लिख रहा हूँ, वो पेन होता है उससे बता जैसे पेपर पे लिखता हूँ उसी तरह की राइटिंग आ जाती है, लेकिन इसमें थोड़ी सी आपको दुश्वारी होगी, मुझे भी वो फैसिलिटी नहीं है इस फिल वक्त, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। एनीवे, तो ही आस्क्ड द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिफरेंट ट्राइब्स, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुख्तलिफ जो हैं लोग जो थे, जो नुमाइंदे जो थे उनसे कहा, एक आ गया था मैसेज आ गया, वह चेक करना पड़ गया, चलें ठीक है नॉर्मल। अच्छा जी, तो उन्होंने जो है जो तमाम नुमाइंदे जो थे, ही आस्क, आस्क का मतलब पूछना भी होता है, कहना भी होता है। कहने का ये एक ऐसा लहजा है जिसमें ना रिक्वेस्ट होती है ना ऑर्डर होता है, जैसे बाप बेटे से कोई बात कहता है, आस्क कोई चीज़ मांगता है तो आस्क होती है, फ्रेंड फ्रेंड से कोई चीज़ मांगता है वो आस्क होती है, ठीक है। ऑर्डर जो है वो सिर्फ नौकरों के किए जाते हैं, तो ये एक लहजा ऐसा है, ना तो ये ऑर्डर है ना ये रिक्वेस्ट है, बाप बेटे को रिक्वेस्ट नहीं करता, ठीक है, यहाँ पर टीचर स्टूडेंट को रिक्वेस्ट नहीं करता, तो वो एक हाँ उसको पता होता है कि आउट ऑफ रेस्पेक्ट वो उसकी जो वो कह रहा है कि तो पकड़ा दें ये कर दें, वो स्टूडेंट जो है वो हेल्प हो क्या कहेंगे इसको, तो
ईगरली खुशी से वो उसको बदले देते हैं। तो ही आस्क द ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें स्वाद है डाल देना चाहिए। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्क द रिप्रेजेंटेटिव्स अपने नुमाइंदों से कहा आप डिफरेंट ट्राइब्स मुख्तलिफ कबीलों के टू होल्ड द कॉर्नर्स के कोने पकड़ लें आप द क्लॉथ कपड़े के एंड कैरी द ब्लैक स्टोन और ब्लैक स्टोन एक ही वर्ड है ठीक है या इसमें आप डैश लगा दें ब्लैक स्टोन को आप उठाएं टू द रसूल सल्लम स्टोन ठीक है देन फिर ये जो है कुछ गड़बड़ हुई हुई है देन फिर यहाँ पे एन का देना कर रहा हूँ देन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टुक ऑफ द ब्लैक स्टोन ये जो है ये डबल एफ होना चाहिए वो डबल एफ हाँ मैं इसी स्टूडेंट की राइटिंग में ही लिख रहा हूँ ठीक है एंड टुक ऑफ द ब्लैक स्टोन जो है उन्होंने लिया उठाया एंड सेट इट इन द वेल वॉल वेल ये कुआं नहीं था दीवार ये वॉल आप अच्छी तरह याद करें स्पेलिंग जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से याद करें इन दिस वे इस तरीके से दस लिख दिया इन दिस वे ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेटल द डिस्प्यूट हाँ ये क्वेश्चन जो है बहुत लंबा हो गया जिस वजह से मिस्टेक्स आ रही हैं किस तरह से वो जो है वेरी वाइजली अब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके लिखने की ज़रूरत नहीं है ठीक है ये वाला हिस्सा आप कमिट कर दें इसकी ज़रूरत नहीं है तो आप इसको ना लिखें अब ये मैंने इसको क्रॉस कर दिया यहाँ से यहाँ तक ये ना लिखें तो ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्क्ड द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिफरेंट ट्राइब्स टू होल्ड द कॉर्नर ऑफ द क्लॉथ एंड कैरी द ब्लैक स्टोन अप ठीक है कैरी की जगह लिफ्ट होना चाहिए था एंड लिफ्ट दी इधर लिफ्ट में कर रहा हूँ ठीक है ताकि ज़्यादा आसान हो जाए एंड लिफ्ट द ब्लैक स्टोन अप और ब्लैक स्टोन जो है उसको उठा लें ठीक है इधर अप ब्लैक स्टोन को ऊपर उठाएं क्या दर में डाल के ठीक है देन द रसूल रसूल सल्लम चलने ऐसे भी चलेगा क्योंकि और कैपिटल है टुक ऑफ द ब्लैक स्टोन एंड सेट इट इन द वॉल इन दिस वे इसकी भी कोई जरूरत नहीं है आप इसको भी छोड़ दें ठीक है ये भी आप ना लिखें यहाँ से ये भी आप सिर्फ ये इतना आंसर दें हैं ये छोटा हो जाएगा और नंबर तो उतना ही मिलने Question number two है why does this dinner consist of 8 or 9 dishes? ये जो है 8-9 dishes का क्यों होता है ये छोटा question है Since in Chinese इसकी Chinese language the word 8 means prosperity and the word 9 means long lasting means the dinner has 8 or 9 dishes to symbolize prosperity and stability. Okay, the word age, and since in Chinese language, C capital hona chahiye, nationalities hain, unko capital letters se likhte hain. Since in Chinese language, the word age means prosperity and the word nine means long lasting. सो यहाँ पे कॉमा लगा रहा हूँ सो द डिनर हैज 8 or 9 डिशेज टू सिंबलाइज प्रॉस्पेरिटी दस इसको ऐसे कर ले इस तरह से दस दस ओहो इसको स्मॉल लेटर हो गया दस इस तरह से दस डिनर हैज उसको ऐसे कर देते हैं
ये भी इसको सेंटेंस को और आसान करते हैं। ये आजा भाई आजा 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 आजा, इसको काट रहा हूँ ठीक है। इन चाइनीज लैंग्वेज ठीक है, इन चाइनीज लैंग्वेज द वर्ड एट मीन्स प्रॉस्पेरिटी एंड द वर्ड नाइन्थ मीन्स लॉन्ग लास्टिंग। ये पुस्तक आ गया, ये इसको काट दिया। दस इस तरह से डे डिनर आपने यहां लिखना है। दस The dinner has eight or nine dishes to symbolize the prosperity. P जो है इसको आप small letter ही रखें, इसको capital letter ना बनाएं ठीक है। इसको जो है जैसे small letter होना चाहिए, इसको उसी तरह से आप लिखें। stability, ये small letter को small letter दिखना चाहिए, capital letter नहीं बनना चाहिए। So this is ये कुछ unpleasant feeling है, इस वजह से आपके marks कट सकते हैं। उसके बाद जो है हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड यू डू इफ यू आर एलर्जिक टू एडहेसिव मटेरियल यूज्ड इन मोस्ट मैरिजेस। आंसर है, इन दिस केस वी शुड यूज एडहेसिव फ्री ड्रेसिंग और स्टीराइल स्टाइल गॉस। गाजा लिखा हुआ है, गाजा तो जी ए यू जेड ए। जी यू ए जेड गाउस। आई हैव इट प्लेस्ड विद द पेपर टेप। ये बहुत जो है अच्छा नहीं लग रहा ठीक है। पी जो है स्मॉल लेटर रखें, ये बहुत जो है मामला सब लग रहे। देखिए कहाँ तक एयर की है टाइम है, तो अब मैं सारे नहीं ठीक कर सकता। गॉस यहाँ मुझे शक रहा था, यहाँ पे ई होना चाहिए ठीक है, ई यहाँ पे आना चाहिए। गॉस गॉस टू होल्ड हेल्ड इन प्लेस। व्हाट इज दिस, वी शुड यूज एडहेसिव फ्री ड्रेसिंग और स्टीराइल gauze held in place with paper tape. Okay, gauze roll or a loosely applied elastic bandage. मैं इसमें कुछ मसला है, ये क्वेश्चन ठीक तरह से नहीं है। आई डोंट नो आपने क्या लिखा है, इसमें प्रीवियस क्वेश्चन ध्यान उनको देख के पता चलेगा। Anyway, ये बहुत अच्छा आंसर नहीं है, यू शुड रीडू इट, इसका आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। गॉज रोल और ए लूजली अप्लाइड इलास्टिक बैंड, ये हो तो गया था ठीक है। इन दिस केस वी शुड यूज एडहेसिव फ्री ड्रेसिंग और गॉज, ये सारा काट है ठीक है। ये ओ है ठीक है, ये भी सारा काट देता है। गॉस रोल जी यू ए जेड ई रोल के स्पेलिंग हमने रॉल लिखा हुआ था, मैंने इसलिए उसको काट दिया। रोल आर ओ डबल एल रोल, ये देखें मुझे कितनी दुश्वारी हो रही है यहाँ पे लिखने में ठीक है। गॉज रोल और ए लूजली अप्लाइड इलास्टिक बैंड, इसकी भी कोई जरूरत नहीं। और ए और एन elastic band bandage, ye itna sa. In this case we should use adhesive free dressing or
गास्लो और प्लास्टिक मैरिज, यहाँ पे लाइक सच एज या सके। ये हो गया, ठीक है जी। अब ये बाकी सारा जो है मैं इसको यहाँ से काट रहा हूँ, ठीक है। ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैंने सारे काट दिए, यहाँ से निकाल दिए, और इसको भी यहाँ से ही मैं ख़त्म कर रहा हूँ। नहीं, आप ये बेहतर था, आपको नज़र आए कि आपने क्या मिस्टेक्स की हैं, तो ये आप ना लिखें। ये जो है ये सच एज है, एस यू सी एच, सच एज सच एज गॉस रूल और एन इलास्टिक बैंडेज, ठीक हो गया जी। What has motivated the author to participate on so actively? Very good. ये देखें बहुत अच्छा लिखा हुआ है, इसी तरह की आप राइटिंग जो है वो डेवेलप करें। Success of the author, the gradual success, the answer है ठीक है, the gradual success of the author, the gradual success of the author, GRADUAL, ठीक है। यहाँ पे हमने ए नहीं लिखा, the gradual success of the writer, the gradual GR GUAR, हाँ यहाँ पे ए आता है, ठीक है। the gradual U के बाद ए आता है, the gradual success of the author motivated him to participate actively in the co-curricular activities of the school, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि जो छोटे क्वेश्चन होते हैं वो आप अच्छे लिख रहे हैं, बाकी जो बड़े क्वेश्चन है उनमें गड़बड़ आ रही है, तो मैं इनको शॉर्ट कर दूंगा। हैव यू एवर गिवन योर व्यूज ऑन द आर्टिकल, आपने किसी मजमून पर कभी अपनी कोई राय दी है? यस, लास्ट मंथ आई रेड एन आर्टिकल ऑन एक्सेसिव लोड शेडिंग इन द डॉन, आगे आई कैपिटल होना चाहिए। It interested me greatly and made इससे मुझे मेरे दिल में शौक बढ़ा बहुत ज़्यादा, and made me convey, उसने मजबूर किया कि मैं convey करूँ, पहुँचाऊँ my own feeling, अपने एहसास, अपने feelings and opinions, और अपनी राय about the issue of the said newspaper. ये देखें ये न्यूज़पेपर, ये पी 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 बड़े कैपिटल लिखे हैं, बहुत बुरे लग रहे हैं, फिर को ठीक करें। सेड न्यूज़पेपर इन द फॉर्म ऑफ एन आर्टिकल, तो मैं भी उस आर्टिकल की शक्ल में अपने ख्याल पर जाहिर करूं इस मौजू पर। तो ये जो है क्वेश्चन सारा बहुत अच्छा है, सिर्फ इसमें आई नहीं लिखा हुआ था, और ये पी पी का बड़ा गलत इस्तेमाल हुआ है, जिस वजह से ये बाकी आंसर ठीक है। हाउ कैन रीडर्स गिव फीडबैक टू द, ये एग्जामिनर एक्चुअली आपको नंबर देना चाह रहा है, लेकिन आपकी जो इस तरह की जो मिस्टेक्स हैं उसकी वजह से रुकावट आ रही है। हाउ कैन रीडर्स गिव फीडबैक टू द न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, द रीडर कैन गिव देयर फीडबैक बाय राइटिंग आर्टिकल्स टू द फोरम पेजेस, ये ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है। और उसके बाद है हाउ इज, यहाँ पे आपने क्वेश्चन का नंबर नहीं दिया, जैसे आपने ऊपर ये देखिए 5456 लिया हुआ है, यहाँ पे ये इश्यूज आपको मेंशन करना चाहिए, तो ये क्वेश्चन कौन सा है इसको पता होना चाहिए। एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होगा कि खुद इसका नंबर टेस्ट करता रहे, और ये उसकी अनप्लेजेंट होगा, ये आंसर भी आपको यहाँ पर मैंशन करना चाहिए, यहाँ से आंसर जो है वो आपने नहीं लिखा, आप आंसर भी लिखें, ठीक है, ये भी आपने नहीं लिखा, ये भी आप लिखें। In the first stand, the wind, Chadi, how is wind described in the first stanza? In the first stanza, the wind is described as a great destructor, roaring,
रोनिंग लाइक अ लायन एंड डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग। तो ये बहुत अच्छा आंसर है, यहाँ पे कॉमा लगाना चाहिए था आपको, ठीक है। तो ये कॉमा मिसिंग है। ओके, व्हाट डज द वर्ल्ड परसिवरेंस ऑफ द वर्ड, ये वर्ड नहीं है, वर्ड है, ठीक है। व्हाट डज द वर्ड परसिवरेंस मीन, इसका क्या मतलब है? द वर्ड परसिवर means to continue, सी छोटा रखें, सी कैपिटल लेटर हो गया, and continue trying to achieve something, एस स्मॉल लेटर करें, in spite भी छोटा करें, ठीक है, something in spite of difficulties, ठीक है। ये जो है इसमें बिला वजह से आपका एक नंबर काट देगा अगर ये दो मार्क्स का क्वेश्चन है, तो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। अब ये हम तो ये ख़त्म हो गया, और ये है जो पेज 39 था, आप एक और पेज है 40 है, हम उसको देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट इज द राइटर, राइटर ये आर मिसिंग है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आर होना चाहिए। चलो मैं लिख देता हूँ, ये आर आ गया, ये आर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट, राइटर जो है किस तरह का स्टूडेंट, व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट इज राइटर, राइटर किस तरह का स्टूडेंट है, या फिर क्वेश्चन यू भी हो सकता है, विच ऑफ हिज क्वालिटीज इंप्रेस यू। हाँ, ये दो पार्ट है इस क्वेश्चन के, इंटरेस्ट लंबा बना दिया इसको, ये शॉर्ट क्वेश्चन तो है ही नहीं। इसका आंसर आपने नहीं लिखा, यहाँ पे आंसर लिखें, ठीक है, ANS उर्दू में लिखें। द राइटर इज अ हार्ड वर्किंग एम्बिशियस राइटर, मेहनती है, एम्बिशियस है, तरक्की का ख्वाहिशमंद है, एंड इंटेलिजेंट और ज़हीन स्टूडेंट है। ही इज विल पावर, उसका पक्का इरादा, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, और ये भी पुख्ता इरादा ही होता है, विल इरादा होता है, पावर विल पावर यानी उसकी इरादे की मजबूती और उसका स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, पुख्ता इरादा, एम्बिशियसनेस उसकी तरक्की की ख्वाहिश, एंड डिलीजेंस GDELIGENC यहाँ पे ई होना चाहिए, क्या कर दिया, ये सी है, सी ई एंड डिलीजेंस एंड इम्प्रेस अस वेरी मच, ये एंड काटा हुआ है, ठीक है, लेकिन लग नहीं रहा काटा हुआ, मैं इसको काट रहा हूँ, एंड इम्प्रेस अस वेरी मच। सिमिलरली आगे फिर एक क्वेश्चन आ गया, द टीचर सेड, टीचर, हाँ ये है डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, इसमें क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ, कुछ नहीं किया हुआ यहाँ पे, ठीक है, बहुत सी चीज़ें मिसिंग आ रही हैं, क्वेश्चन नहीं है, और आपको क्वेश्चन मेंशन करना चाहिए। द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड, टीचर ने कहा कि जमीन गोल है। अब ये जो है ये कहावत है, सॉरी यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ और कहावतें जो हैं ये प्रेजेंट टेंस में ही होती हैं हमेशा, तो इस लिहाजा हमने दैट ही यूज़ किया है, वरना हमने इसका मास कर देना था। द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड, के ज़मीन जो है वो गोल है, ये ठीक है, एक नंबर मिल गया। द टीचर सेड आई हैव ऑफन टोल्ड यू नॉट टू प्ले विद फायर, द टीचर सेड, उस्ताद ने कहा दैट, अब ये थे आई जो है, आई माई मी वी अब चेयर फास्ट चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू स्पीकर, स्पीकर यहाँ पे टीचर है, टीचर के मुताबिक चेंज हो गया, सुनने वाला कोई नहीं है, सुनने वाला जो है यहाँ पे हम पर आई पर आई तस्वर हो देगा, ठीक है। तो यू जो है यानी मेरे यानी माई सर, ये मैं अपनी जात की तरफ मेरी तरफ इशारा है, यू कौन है, मैं खुद हूँ, तो फिर मैं अपने लिए फिर यू नहीं इस्तेमाल करूँगा, आई यूज करूँगा, तो ये ही जो है टीचर के मुताबिक आई जो है ही के टीचर के मुताबिक ही हो जाएगा, हैव का हेड हो जाएगा, बाकी आई आ जाएगा यहाँ पे, नॉट टू प्ले विद फायर, तो ऐसे ही है। द टीचर सेड दैट ही हैड ऑफन टोल्ड मी, देखे ना आई जो है यू का क्या बना, ये सुनने वाला यू था, ठीक है, तो सुनने वाला यू जो है वो जो है मी हो गया उसके मुताबिक, ठीक है, यानी तुम्हें सॉरी, तो आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें कहा, तुम्हें जो है इसको जब इंटरेक्ट करते हुए तो मुझे हो जाएगा ये, ठीक है, टू प्ले विद फायर आपके साथ ना खेलने के।
आगे द टीचर सेड उस साल ने कहा दैट ही हैड ऑफन टोल्ड मी एंड नॉट टू प्ले विद फायर बिकॉज़ स्मॉल लेटर में लिखे खुदा का वास्ता इसको छोटा कर लें आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है तो ये है इन दिस वे और बाकी आगे फर्दर नहीं किए मेरे ख्याल में याद आते नहीं थे या पास्ट और या फिर स्टूडेंट या स्पीलिंग टाइप तो इस वजह से मुकम्मल पेपर नहीं है। तो बाकी जो क्वेश्चन हैं उसको मुकम्मल करें और एग्जाम वो जो आपका दो क्वेश्चन हैं समरी वाला वो समरी नहीं लिखी हुई और एक और क्वेश्चन जो है हम जो पैराग्राफ हैं ऐसे राइटिंग या पैराग्राफ राइटिंग वो भी मिसिंग है वो भी नहीं लिखा हुआ तो डू टेक केयर ऑफ दैट उसको भी आप लिखें और मुझे सबमिट करें। शुक्रिया आप मुझे आई कैन होप दैट आपको ये अच्छा लगा होगा और इस तरह की मेरी मजीद वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें लाइक करें बेल बटन दबा दें। शुक्रिया वेरी मच और अपनी अपना ख्याल रखें और एग्जामिनेशन के लिए अच्छी तैयारी करें। विश यू बेस्ट ऑफ लक अल्लाह हाफिज़।